नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। वैसे तो आपको ये याद होगा, लेकिन याद ना हो तो एक बार वीडियो में दिखाने के लिए भी मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देता हूं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। ये छोटा श्लोक है। व्याकरण का बहुतायत में जो छात्र नए नए पढ़ते हैं उनको इसकी आवश्यकता, इस किसका अर्थ जानने की आवश्यकता होती है। तो देख, सामान्य पाठक है जो जिसको हिंदी कम से कम आती है उसको थोड़ा सा शब्दों के साथ अपनी बुद्धि बिठानी चाहिए। यदि आपको संस्कृत नहीं भी आती, आप संस्कृत से घबराइए नहीं। आप केवल आपको जो भाषा आती है उस भाषा से संस्कृत जो आपके सामने आ गई है उसे मिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और बहुत सारी भाषाओं के शब्द संस्कृत के साथ मैच करते हैं, सामान्य रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो यदि आपको अपनी भाषा आती है उस भाषा के अनुसार जो आपके सामने संस्कृत आ गई है उससे जोड़ने की कोशिश कीजिए और उनको उनका एक व्यवहारिक क्रम बनाने की कोशिश कीजिए। वह जो व्यवहारिक क्रम बन जाएगा तो इससे आसानी यह होगी कि आपको सुनते ही समझ में आ जाएगा। बहुत सारे संस्कृत के श्लोक जब अन्वय कर दिए जाते हैं तो अन्वय करने के बाद विद्यार्थी को या श्रोता को पहली बार में ही कम से कम 70% अर्थ निकल काल में थे। तो उस काल में जब हम रघुवंशी इत्यादि पढ़ते थे तो इतने बड़े बड़े श्लोकों का अर्थ नहीं आता था, हमें लगता था कि कठिन है। और इसलिए तत्कालीन जो हमारे सहपाठी हुआ करते थे वो इसी भय से भाग जाते थे, पलायन कर जाते थे, पढ़ने नहीं आते थे, उन्हें लगता था कि कठिन है। लेकिन यहाँ इसी बात का ध्यान रखना है विद्यार्थी को, और जितने भी गुरुजन हैं उनको भी इसी बात का ध्यान रखवाना है विद्यार्थियों से कि जो उनकी अपनी भाषा है उस अपनी भाषा के साथ जो संस्कृत सामने पे आ गई है उसके साथ मिलाने की कोशिश करें। जब वो मिलने लगेगा और एक बार उनके सामने अन्वय वाली शब्दावली आ जाएगी तो उस अन्वय वाली शब्दावली के सहारे उसको एक प्राथमिक अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। और जब प्राथमिक अर्थ का ज्ञान हो जाएगा तो इस तरह से उसका संस्कृत में प्रवेश होगा, श्लोकों में प्रवेश होगा, श्लोक का जो आनंद है वह उसको प्राप्त होगा और श्लोक जो अपनी अभिव्यक्ति देना चाहता है उस अभिव्यक्ति की भी प्राप्ति पाठक को होने लगेगी, विद्यार्थियों को होने लगेगी। तो यहाँ हम एक श्लोक बताने जा रहे थे आपको संस्कृत का, जो कि सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है। तो ये है मंगलाचरण आपके सम्मुख। फ्रंट कैमरे से है तो शायद आपको ये उल्टा दिखाई दे। शास्त्रीय व्याख्यान, शास्त्रीय क्या है इस समय में थोड़ा सा, चूंकि मैं एक शिक्षक भी हूं और बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं उनको व्यवहारिक एक प्रयास रहता है, कितना सफल होता हूं ये तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन वर्तमान में जो यहाँ पे भी मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि एक व्यवहारिक रूप से उनको श्लोकों का अर्थ पता लगे। तो प्रस्तुत किया, नत्वा सरस्वतीं देवी शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। तो एक बार व्यवहारिक व्याख्यान, उसके बाद थोड़ा सा शास्त्र दृष्टि से भी करेंगे। नत्वा विद्यार्थी अगर सामान्य है तो शायद अर्थ ना लग पाए, लेकिन जिनको लग रहा है तो नत्वा अर्थात नमस्कार करके। अब यहां जिज्ञासाएं कीजिए और जिज्ञासाओं के माध्यम से आपको अंतिम ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब हम कहते हैं नत्वा का अर्थ निकाला हमने नमस्कार करके, यहाँ प्रश्न होगा कि किसको नमस्कार करके या क्यों नमस्कार करके, दोनों प्रश्न हो सकते हैं। तो पहले किसको नमस्कार करके यह प्रश्न करते हैं और देखते हैं कि इसके उत्तर संबंधित शब्द श्लोक में है या नहीं है। तो हमने कहा नत्वा अर्थात नमस्कार करके, प्रश्न जगा किसको नमस्कार करके।
तो आगे हमने श्लोक के अंतर्गत आने वाले शब्दों को देखा, तो वहां शब्द सरस्वती देवीम, सरस्वती देवी, विद्यार्थी को नहीं पता को के कि किस लिए, वो कह रहा है सरस्वती देवी। गुण्या गुण, करोमि अहम इत्यादि, तो यहाँ पे उत्तर मिलता है सरस्वती नमस्कार करके सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को। अब यहाँ पे एक एक शब्द का अर्थ लगाएंगे, उसके बाद व्यवहारिक वाक्य बनाएंगे इसको। नत्वा अर्थात नमस्कार करके सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को गुण्याम गुणों से युक्त करोमी करता हूं अहम मैं पाणिनीय प्रवेशाय। अब यहाँ कभी कभी श्लोकों में बच्चा संस्कृत जगत में एक कठिनाई आ जाती है, पद रहते हैं, तो सामसिक पद के लिए विद्यार्थी को ध्यान ये देना है कि जितने यदि समास तो इतना जो लंबा चौड़ा शब्द है उस लंबे चौड़े शब्द में यानी समस्त शब्द में जो अंश अंश के जो अंश अंश के रूप में शब्द हैं उन समस्त पद शब्दों को कुछ अलग करें। तो जैसे पाणिनीय प्रवेश आया, यह पूरा एक शब्द है लेकिन यह के बाद प्रवेश आया, पाणिनी से व्यक्ति को अर्थ गुरुजी डायरेक्ट ही बताएंगे कि पाणिनीय अर्थात पाणिनी द्वारा जो किया गया है उसमें प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम, लघु सिद्धांत कौमुदी को, ये शब्दों से अर्थ आया। अब यहाँ शब्दों के क्रम को परिवर्तन करना है, तो नत्वा नत्वा नमस्कार करके किसको, सरस्वती देवी को। तो जब हम बोलते हैं तो क्या कहते हैं, सरस्वती देवी को नमस्कार। तो क्रम इस तरह से बिठाइए, अब वो आगे कहा था और गुणों वाले गुण्या शुद्ध सब सरस्वती के विशेषण है, स्त्रीलिंग में है, तो विशेषण हमेशा विशेष्य से आगे आता है। तो यहाँ सरस्वती देवी से आगे बिठा लीजिए शुद्धाम गुण्याम को, तो वाक्य का स्वरूप अब बनेगा शुद्धाम गुण्याम सरस्वती देवी नत्वा, इतना बन गया। देखिए काव्यगत जो वाक्य था वो था नत्वा, उसको जब हमने व्यवहारिक में ढाला तो हमारा बना शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम। इसका हिंदी में अर्थ निकाला कि शुद्ध और प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नत्वा नमस्कार करके। तो यहाँ स्वयं ही एक बात आती है कि कुछ और भी करने जा रहे हैं, तो कुछ और क्या करने जा रहे हैं, आगे आया था कि करोमि करता हूं, प्रश्न उठा क्या करता हूं करोमि। अब करोमि में जो करता हूं इससे ही पता चल जाएगा कि मैं कोई करता है, तो मैं के लिए शब्द है वहां अहम, तो अहम करोमि। अब पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, तो उन्हीं अभी तक बताए हुए शब्दों अभी तक बताए हुए श्लोक के अंतर्गत आए हुए तो लघु तो बना के अहम बीच में बिठाइए लघु सिद्धांत कौमुदी को। लघु पूछा कि क्या है, तो कह रहे हैं कि पाणिनीय प्रवेश आया, इसका प्रयोजन है, तो प्रयोजन क्या है, तो पाणिनीय प्रवेश आया, पाणिनी जी के ग्रंथ में प्रवेश के लिए। अब इतने जितना समझ में आया इन वाक्यों को एक तरफ से रखते जाइए, सरस्वती देवी पाणिनीय प्रवेश आय, प्रयोजन पहले आता है, तो पाणिनीय प्रवेश आय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, और अहम को सबसे पहले बिठा लीजिए कि अहम शुद्धाम गुण्याम सरस्वती देवी नत्वा प्रवेश आय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अब ये बन गई हमारी व्यवहारिक शब्दावली।
अब यदि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। एक बच्चा बनकर के इन दोनों को सुनिए। यदि आपके सामने या हमारे हमारे सामने कोई ये तो हल्के से संस्कृत के जानकार थे, अब हमारे सामने यदि कोई कहे नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, तो शायद उतना अर्थ में आएगा। कितना अर्थ समझ में आएगा, एक परसेंटेज बनाइए। शायद 30 से लेकर किसी थोड़ा सा पढ़ने वाले को शायद 20% समझ में आए या 10% ही समझ में आए, और जो अच्छे से अच्छा भी जानकार होगा, जो इस लेवल का होगा जिसको हमें लघु सिद्धांत पढ़ानी है, उसको 50% या 60% समझ में आ सकता है, यदि वो बहुत अधिक टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है तो। लेकिन यदि उसको इसी चीज को इस रूप में कहा जाए कि अहम सरस्वती देवी नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, अगर ये वाक्य कहा जाए अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, ये ऐसा वाक्य कहने से उसे पूर्व ही समझ में आ सकता। तो अन्वय के माध्यम से जाता है, और व्यवहारिक भाषा जब बन जाती है तो व्यवहारिक भाषा से अर्थ का प्रतिपादन, वाक्य का अर्थ और वक्ता या लेखक का जो अभीष्ट कथ्य है वहां तक पहुंचा जाता है, तो इसके लिए अन्वय किया जाता है। तो ये था व्यवहारिक। अब यदि आपको अन्वय कैसे करते हैं यह अंतिम रूप से समझना है, तो इसके लिए भी कोशिश करने जा रहा हूं मैं। जब भी हमारे सामने कोई श्लोक आता है, कोई गद्य आता है, तो वह श्लोक वाक्यों में ढला होगा, यह निश्चित है। जरूरी नहीं है कि उसमें एक वाक्य से ही श्लोक बना दिया जाए, हो सकता है उसमें दो तीन वाक्यों से श्लोक का निर्माण हुआ हो, पद्य का निर्माण हुआ हो, और वह वाक्य भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ नत्वा सरस्वतीं देवीं में एक ही क्रिया रूप वाक्य था करोमि, लेकिन वहां एक छोटी सी क्रिया और थी नत्वा, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसी प्रकार से जो श्लोक हमें सामने पे आया है, हमें अर्थ देखना है, अर्थ को निकालना है, जिससे जिसमें हमें कठिनाई आ रही है, उसमें पहले उसको पढ़ना है। जब उसको पढ़ लिया और जितना भी समझ में आया, उससे पहला ध्यान ये करना है कि उसमें ये छाटना है कि उसमें वाक्य कितने हैं। यदि आपने वाक्य बना लिए तो वाक्य के लिए भी बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसमें क्रियाओं को ढूंढिए। धन्यवाद बधानी जी, आज उसी का फल है यहाँ पे। तो जो हमारे सामने श्लोक आता है, उस श्लोक में वाक्य छांटने के लिए क्रियाएं चाहिए, यानी उसमें क्रियाएं कितनी हैं। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी का जो मंगलाचरण है, उसमें हमने क्रियाएं ढूंढी, तो क्रिया निकली हमारी करोमि और नत्वा। तो जो नत्वा क्रिया है वह मुख्य क्रिया नहीं होती, करके, यानी करके मैं कुछ और काम करने जा रहा हूं, तो इसका मतलब है यह गौण क्रिया है और मुख्य क्रिया कोई और है। तो वाक्य में और कोई क्रिया ढूंढी तो वहां मिली हमें करोमि। अब ध्यान रखिए, श्लोक में सबसे पहले क्रिया का अपहरण कर लीजिए, किडनैप कर लीजिए क्रिया को आपने पकड़ लिया। आप पूछे कि तुम्हारे साथी कहाँ हैं, और उनको लाइन पर लगाते रहिए। हमने सबसे पहले क्रिया को पकड़ा करोमि। अब इससे पूछा, हाँ भाई क्या करने जा रहे हो, तो उत्तर मिलेगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी करने जा रहे हैं। अब इन क्रियाओं के आगे जोड़ते रहिए, तो करोमि किम करोमि लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अब ध्यान रखना है कि इनका कोई विशेषण तो नहीं है, क्रिया का कोई विशेषण तो नहीं है, उससे जो उत्तर निकला उसका विशेषण तो कुछ नहीं है। यदि उनके विशेषण हैं तो उनको उनके आगे जोड़ना है। यदि करोमि क्रिया का कोई क्रिया विशेषण है तो वह इससे पहले आएगा, तो यह भी है नहीं कोई। अब इससे पूछा हमने क्या करने जा रहे हैं, तो उत्तर मिला हमें लघु सिद्धांत कौमुदी करने जा रहे हैं। अब पूछा कि भाई लघु सिद्धांत कौमुदी में भी कुछ विशेष है क्या,
तो विशेष कुछ नहीं था, तो लघु सिद्धांत कौमुदीन का रोमी आ गया। अब इतना कहने से आदमी के अंदर कितने प्रश्न हो सकते हैं, उतने प्रश्नों कीजिए और उन प्रश्नों से संबंधित यदि कोई भी शब्द है तो उसे जोड़िए। तो फिलहाल हम जो हैं उन पर ही विचार करते हैं। तो कहा कि क्यों कर रहे हो, तो कहा उत्तर मिला पाणिनीय प्रवेशाय, उसे भी बिठा दीजिए। तो पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीन करोमी। अब यहाँ अभी देखिए प्रश्न तो कई उठ सकते हैं, लेकिन अगर मैं उतने प्रश्न उठाने लगूं तो यहाँ व्याख्यान का समय ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हमने दोबारा से पूछा कि हाँ भाई कुछ विशेष है क्या, क्या करके कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों तो आ गया लेकिन क्या करके कर रहे हो। तो कहा कि नत्वा, नमस्कार करके। अब इस नत्वा को बिठा लीजिए, तो नत्वा आ गया। ठीक है, अब किसको नमस्कार करके, तो कहा सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को नमस्कार करके। अब सरस्वती देवी का क्या कोई विशेषण है, आप सरस्वती देवी को ही क्यों प्रणाम कर रहे हो। तो उसके विशेषण है बैठे हुए दो शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध और गुणों से युक्त। तो इन विशेषणों को अपने विशेष्य के आगे बिठा लीजिए। तो इनका विशेष्य है सरस्वती देवी, उस विशेष्य से आगे बिठा लिया हमने विशेषण शुद्धाम गुण्याम को। तो हमारा अब कहा कि कौन, अब इसके आगे करोमी जो कर रहा था उस वह करता है उसे सबसे आगे बिठा दीजिए। तो अहम आ गया, अब अहम आगे पे आ गया। अब शब्दावली बनी अहम शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा लघु पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमी, यह वाक्य बन गया। अब चूंकि श्लोक में एक ही क्रिया थी मुख्य, तो एक क्रिया से हमने प्रश्न पूछे, एक क्रिया का अपहरण किया और उससे पूछते गए कि भाई बताओ अपने अपने साथी, और उन साथियों को हमने सब जगह फिट कर दिया एक क्रम में, और वह क्रम जो बना वही अन्वय है। अब उससे आप अर्थ आसानी से निकाल सकते हैं। तो जहां संस्कृत के श्लोकों में अनेक वाक्य हैं, अनेक क्रियाएं हैं, तो वहां तदनुरूप में उस क्रिया के साथ जो अन्य संबंधी है उनको ढूंढ ढूंढ कर लगाना है। तो याद रखिए इसलिए अन्वय का नाम है संबंध। तो वो जो क्रिया के संबंधी हैं, जो क्रिया रूप जो सागर है, उस सागर में जाने के लिए जो नदियां रूप कारक हैं या जो शब्द राशि है, उस शब्द राशि का संयोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो एक उदाहरण मैंने दे दिया, इस प्रकार से हिंदी में भी आप कर सकते हैं। तो अभी व्याख्यान के दौरान मैं टिप्पणी नहीं देख पाया हूँ, इतना जितना मेरा ज्ञान है और जितना मैं मुझे लगा कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश की है। यदि आपको कुछ और भी प्रश्न होंगे तो आप टिप्पणी में कीजिएगा, मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ लेकिन हमारे गुरुजन हैं, आप लोगों से सीखता हूँ। और कुछ दिमाग चलता है, कुछ प्रस्तुत करने की योग्यता आती है तो आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं यही चाहूंगा कि आप सज्जनों का मुझे आशीर्वाद मिले ताकि मन में उत्साह जगे और इससे भी कुछ अच्छा कर पाए, और जरूर मुझे बताइएगा कि क्या कमी रही, क्योंकि कमियां से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अच्छाइयां जो होंगी उसकी तरफ भी ध्यान दिलवाइएगा ताकि मैं उनको सुरक्षित रख सकूं, बाकी जैसा गुरुजन आदेश दें। तो बताइएगा मुझे कि मैं कहाँ तक सफल रहा हूँ। नमस्कार, सभी गुरुजनों को प्रणाम।